माई डियर स्टूडेंट्स टूडे आर टॉपिक इज टाइम्स ऑफ एमरजेंसी आज की क्लास में हम ई वी एस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम टाइम्स ऑफ एमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमें एमरजेंसी कब कब आती है किस किस टाइम पर आती है सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं वी कैन ओनली रिड्यूज़ द इफेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर बाई प्रिपेयरिंग आर सेल्फ टू फेस द सिचुएशन वी कैन ओनली रिड्यूज द इफेक्ट्स ऑफ डिज़ास्टर सिर्फ हम क्या कर सकते हैं डिजास्टर के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं अपने आप प्रिपेयर करके सम ऑफ द कॉमन नेचुरल डिजास्टर कुछ नेचुरल डिजास्टर हैं जैसे है अर्थक्वेक सुनामी वेल्कैनो इरप्शंस लैंडस्लाइड साइक्लोन फ्लड और ड्रॉट ये सब क्या है कुछ कॉमन नेचुरल डिजास्टर्स हैं इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में वी शैल डिस्कस अबाउट सम ऑफ दीज इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला है हमारा अर्थक्वेक अर्थक्वेक क्या होता है हिंदी में अर्थक्वेक को क्या बोलते हैं भूकंप एंड अर्थक्वेक इज़ अ सडन मूवमेंट ये क्या होती है अचानक से एक मूमेंट होती है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ के अर्थ की धरती के नीचे सरफेस में एक अचानक एक मूवमेंट होती है एक अचानक से एक क्या होती है हिल जाती है धरती सम अर्थक्वेक्स आर माइल्ड कुछ अर्थक्वेक्स क्या होते हैं कुछ भूकंप क्या होते हैं माइल्ड होते हैं मतलब धीरे से आते हैं एंड कैन नॉट बी फिल्ड और वो हमें महसूस भी नहीं हो पाते हैं वाइल्ड सम जबकि कुछ आर सो स्ट्रोंग कुछ बहुत तेज होते हैं दैट दे कॉज हैवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वो क्या करते हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हानि होती है किसको लाइफ को और प्रॉपर्टी को ठीक है वट शुड वन डू इफ देयर इज एन अर्थक्वेक्स मतलब हमें क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक होता है ऑलवेज कीप काम हमें शांत हमें हमेशा क्या शांत रहें एंड वॉक आउट ऑफ द बिल्डिंग और बिल्डिंग से बाहर चले जाएं मूव टू एन ओपन एरिया ओपन एरिया की तरफ जाएं ओपन एरिया की तरफ भागें डो नॉट एंटर द बिल्डिंग इमिडिएटली आफ्टर द अर्थक्वेक हैज़ स्टॉप्ड जब अर्थक्वेक क्या है स्टॉप हो जाए बंद हो जाए तो एकदम से बिल्डिंग के अंदर ना जाएं ओके डो नॉट स्टैंड नियर हैंगिंग पोर्ट्स एंड विंडो एंड अर्थक्वेक मतलब अर्थक्वेक क्या है अर्थक्वेक के तुरंत बाद हमें अर्थक्विक के समय हमें बिल्डिंग के जो विंडो होती है बिल्डिंग की विंडोज़ उनके पास नहीं खड़ा होना चाहिए और हैंगिंग पोट जो हैंगिंग पोर्ट्स लगे होते हैं उसके पास भी ना खड़े रहें कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्री और अपने आप को इलेक्ट्रिक पोल्स और ट्री से दूर रखें ओके okay, जब अर्थक्विक होते हैं तो हमें ये सभी सावधानियाँ बरतनी चाहिए अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुनामी के बारे में कि सुनामी क्या होती है सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ ह्यूज़ वेव्स एंड एक्योरस आफ्टर एंड अंडर सी अर्थक्वैक्स और ए वेलकैनो इरप्शन सुनामी क्या है सुनामी एक एक ह्यूज वेव्स मतलब बहुत ज़्यादा लहरें एक्योर आफ्टर एंड अंडर सी अर्थक्वेक मतलब अंडर सी मतलब कि सी के अंदर क्या होता है अर्थक्वैक uh, होता है और वेलकैनो इरप्शन होता है उसके बाद क्या होती है बड़ी सी लहरें निकलती हैं एज़ अ रिजल्ट ऑफ देयर लॉन्ग वेव लेंथ इसका रिजल्ट क्या होता है एक बहुत लंबी सी वेव लेंथ आती है वेव लेंथ मतलब क्या होगा कि मतलब लंबी सी एक बहुत लंबी सी वो आती है लहरें आने लगती है सुनामी बिहेव एज शैलो वाटर वेव्स सुनामी क्या होती है बिहेव करती है किसकी किसकी तरह पानी जो उथल पुथल करने लगती है शेलो शैलो वाटर मतलब उथला पानी जो इस तरह से देखो इस तरह से उथल पुथल होनेता है मतलब ऊपर से फिर नीचे फिर ऊपर से इस तरह से ठीक है द वेव्स अंडरनीथ ट्रैवल विद ग्रेट स्पीड कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी क्या होता है जो अंडरनीथ नीथ ट्रैवल मतलब यात्रा के नीचे लहरें क्या हो करती हैं जो मतलब यात्रा की तरह जैसे कि जैसे हम किसी चीज़ पे चलते नहीं हैं उसी तरह से लहरें भी एकदम स्पीड से आती हैं और उसके कारण क्या होता है हमारी लाइफ का डैमेज होता है और प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है वट शुड बी डन इफ़ देयर इज सुनामी सुनामी आए तो हमें क्या करना चाहिए जस्ट बिफोर सुनामी स्ट्राइक सुनामी स्ट्राइक आने से पहले द सी ऑफन रेस बैक फ्रॉम द कोस्ट क्या होता है अक्सर कोस्ट जो होती है तट जो होता है वो पीछे की तरफ हटता है पहले इफ़ यू नोटिस सच एस सच अ थिंग अगर आप ऐसे नोटिस करते हैं ये चीज़ें कि जो कोस्ट है वो पीछे की तरफ हट रहा है तो आप फर्स्ट मूव फार अवे फ्रॉम द कोस्ट तो आप कोस्ट से पहले ही दूर चले जाएँ मतलब अगर आप सुना सुनामी से पहले क्या होता है जो सी होती है वो उसका जो कोस्ट होता है टट होता है वो पीछे की तरफ जाता है यदि आपको ऐसा फील होता है तो आप क्या करें वहाँ से दूर चले जाएँ इफ़ यू लिव इन कोस्टल एरिया यदि आप कोस्टल एरिया में रहते हैं एंड फील एन अर्थ क्वेक और अर्थक्वेक का फील करते हैं तो क्विकली रन टू ए हायर लैंड तो ऊँचाई पर चले जाइए आप उसके बाद है हमारा वेलकैन ओ इप्शन वेलकैन ओ इप्शन क्या होता है ए वेल्कैनो इरप्शन ए क्योर वैन द होट मैगमा अंडर द अर्थ सरफेस इज फोर्स्ड आउट द आउट ऑफ द क्रैक्स मतलब वेलकैन ओ इप्शन किसे बोलते हैं हम ज्वालामुखी विस्फोट को बोलते हैं तो जब ज्वाला ज्वालामुखी विस्फोट होता है जब क्या होता है पृथ्वी की सतह नीचे से जो गर्म मैग्मा होता है उसकी दरारों को दरारों में से बाहर निकलता है मतलब फोर्स्ड आउट द क्रैक्स मतलब दरारें जो होती दरारे बनती है दरारें बनती हैं और उसमें से जो हॉट मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है इट कैन बर्न एवरीथिंग अराउंड ये हमारे आस की सभी चीज़ों को बर्न कर देता है जला देता है ड्यूरिंग द वेल्कैनो एरप्शन वेल्कैनो अरप्शन के दौरान लावा एंड वेरियस गैसेज आर एक्सपेल्ड फ्रॉम ए वेलकैनो वेंट और फीज़र मतलब जो लावा और वेरियस गैसेस होती है वो क्या होती है एक्सपेल्ड हो जाती है ख़त्म हो जाती है और वेलकैनों में जो, जो होते हैं छिद्र हो जाते हैं वेंट मतलब छिद्र हो जाते हैं छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और दराने आने लगती है फिजर मतलब दराने आने लग दरार जो होती है दरारें आने लगती है ओके बच्चों अब नेक्स्ट है हमारा लैंड स्लाइड लैंड स्लाइड क्या होता है ए लैंड स्लाइड इज़ अ मोमेंट ऑफ रॉक्स लैंड स्लाइड क्या है आ, रॉक्स की मूमेंट होती है हिलते हैं रॉक्स और डैबरीज और अर्थ डाउन ए स्लोप डैबरीज क्या होता है मलवा वो क्या होता है स्लोप मतलब नीचे की तरफ ढलान से नीचे की तरफ आने लगता है लैंड स्लाइड आर वेरी कॉमन इन हिली एरियाज लैंड स्लाइड जो होता है वह हिल एरियाज में सबसे ज़्यादा कॉमन है ठीक है इट हैपन यह होता है जब बिग रॉक्स एंड मर्ड स्लाइड डाउन द माउंटेन स्लोप टूवर्ड्स वैली क्या होता है जब बिग रॉक बड़ी बड़ी रॉक्स होती है बड़े बड़े पत्थर होते हैं और जो मड होते हैं वो क्या करते हैं स्लाइड डाउन रगड़ते रगड़ते माउंटेन से नीचे वैली की तरफ आते हैं तो क्या होता है लैंडस्लाइड होता है मतलब जब वो नीचे नीचे गिरते हैं यही लैंडस्लाइड कहलाता है इट कैन कॉज हैवी डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ये भी क्या करते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं ठीक है जब पत्थर ऊपर से गिरेंगे तो नीचे वाले जो नीचे नीचे जो है होगा उसको प्रॉब्लम होगी ना जो नीचे घर बने होंगे वो भी टूटेंगे उनके ऊपर वो गिरेंगे ठीक है तो जो मड और रॉक्स होते हैं वो ऊपर से वैली की तरफ गिरते हैं अब नेक्स्ट है हमारा साइक्लोन साइक्लोन आर गेंट स्पाइनिंग टाइप वर्ल्ड वाइल्ड स्टॉम मतलब साइक्लोन क्या होता है बहुत बड़ा स्पाइनिंग मतलब चरखी सी घूमती है चरखी की तरह एक घूमता है वर्ल्ड वाइल्ड स्टॉम मतलब बवंडर बनता है एक तूफान आता है इस तरह का इट इज़ इट इज़ ऑफन एक्पनीड बाई हैवी लेसिंग रेन और इस इसके साथ क्या होता है अक्सर इसके साथ हैवी लेसिंग रेन मतलब बहुत भीषण मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आती है दिस कैन कॉज एक्सटेंसिव लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इसके कारण क्या होता है बहुत ज़्यादा लॉस होता है लाइफ का और प्रॉपर्टी का वट शुड यू डू इन केस ऑफ साइक्लोन जब साइक्लोन आता है तो हमें क्या करना चाहिए इफ़ यू लिव इन कोस्टल एरिया यदि आप कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं बी रेगुलर लिसन टू द वैदर वैदर फोरकास्ट तो आपको आपको वैदर के बारे में जानकारी मिलती है ना उसे सुनना सुनना चाहिए ऑलवेज़ कीप एन एमरजेंसी किट रेडी एट होम हमेशा जो एमरजेंसी किट होती है उसे रेडी रखना चाहिए बी केयरफुल अबाउट द आउटब्रेक ऑफ एपिडमिक डिजीज जो महामारी होती है उनसे दूर रहें उस जो महामारियाँ होती है उससे केयरफुल रहें सावधान रहें ओके okay, बच्चों अब नेक्स्ट है हमारा फ्लड फ्लड क्या होता है फ्लड फ्लडिंग इज़ अ कॉमन नेचुरल डिजास्टर ये एक कॉमन नेचुरल डिजास्टर है ऑल्सो वेरी कॉमन इन मैनी प्लेस वेयर रेनफॉल्स मतलब जहाँ रेनफॉल होता है वहाँ ये बहुत कॉमन है बहुत ज़्यादा होता है फ्लड एक्योर वैन द वाटर लेवल इन द रिवर ड्यू टू एक्सटेंसिव रेन रेनफॉल जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ क्या होता है पानी का जो लेवल होता है वाटर का जो लेवल होता है रिवर का वो बढ़ जाता है उसके कारण फ्लड होता है दिस वाटर फ्लो टू नियर बाय लैंड कॉजिंग फ्लड इन दिस रीजन्स मतलब आ, वाटर फ्लो जो है आसपास लैंड के आसपास आता है जिसके कारण क्या होता है फ्लड आता है मतलब बाढ़ आती है फ्लड कैन डैमेज क्रॉप्स फ्लड क्या करता है आ, क्रॉप्स को डैमेज कर जाता है प्रॉपर्टी को डैमेज करता है एनिमल्स लाइफ को एज वेल एज ह्यूमन लाइफ ह्यूमन लाइफ को भी डैमेज कर देता है मैनी एपिडेमिकीज कुछ एपिडेमिक एपिडेमिकसिज भी इससे होती है जैसे कि कॉलेरा टाइफाइड ब्रेकआउट द एडवेंट ऑफ फ्लड ये क्या होती है फ्लड के कारण इनका आगमन होता है ये सब पैदा होने लगती है ओके okay? नेक्स्ट है हमारा ड्रॉट ड्रॉट आर लॉन्ग ड्राई स्पेल विद लिटिल और नो रेनफॉल ड्रॉट क्या होता है एक लंबी अवधि है जिसमें क्या होता है सूखा पड़ जाता है और किसके कारण होता किस किसके साथ होता है ये जहाँ बहुत थोड़ी बारिश आती है या फिर बारिश आती ही नहीं है रेनफॉल होती ही नहीं है इसके कारण क्या होता है सॉइल क्रॉप्स एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन इंसान भी इंसान को भी हानि होती है क्रॉप्स फेलर एक्योर ड्यू टू ड्रॉट मतलब ड्रॉट के कारण जो क्रॉप्स होती है फसलें होती है वो गिरने लगती हैं ख़राब हो जाती है रिजल्टिंग इन फेमाइन अकाल के कारण वे आर मैनी पीपल डाई ड्यू टू हंगर कुछ लोग क्या होते हैं मृत्यु हंगर मतलब भूख के कारण मरने लगते हैं अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए डू नॉट वेस्ट वाटर इन एनी वे हमें पानी को किसी भी तरह से वेस्ट नहीं करना है ग्रो मोर ट्रीज टू बाइंड द सॉयल सॉइल को बांधने के लिए मिट्टी को बांधने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने हैं कंस्ट्रक्ट रिजर्वायर मतलब जल स्रोत मतलब जल स्रोत क्या हो गए जैसे कि कुआ और हेड हैडपम्प्स और ट्यूबवेल्स इस तरह से होते हैं ना इस तरह से हमें ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बनानी चाहिए जहाँ सूखा पड़ता है ना यह, यहाँ यहाँ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जहाँ हम पानी को इकट्ठा कर सकें अवॉइड ओवर क्रॉपिंग एंड ओवर ग्रेजिंग और ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाने या चरने को अवॉइड करना चाहिए हमें चराने जैसे हम एनिमल्स को चराते हैं ना उसे हमें अवॉइड करना चाहिए अब हम ये सब हमने पढ़ा कि डिजास्टर्स जब होते हैं तो ये ये प्रॉब्लम्स होती है और उससे इस इस तरह से बचा जाता है अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटी हेल्प हमें इसमें किस तरह से प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करती है गवर्नमेंट प्रोवाइड्स रिलीफ मटेरियल टू द विक्टिम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर जो विक्टिम होता है उसे क्या करती है रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड कराती है कौन प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट मैनी एन जी ओज प्रोवाइड एड्स एंड सपोर्ट टू द एफेक्टेड पीपल एफेक्टेड जो पीपल होता है जैसे चोट वगैरह लगी होती है उसे क्या करती है वो सपोर्ट करती है और एड पहुँचाती है उसके पास तक दवाइयाँ वगैरह पहुँचाती है एमरजेंसी सर्विस सच एज़ हॉस्पिटल फायर स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन आर अलर्टेड इमिडिएटली और जो होती है एमरजेंसी सर्विस जो होती है पुलिस स्टेशन फायर स्टेशन ये क्या होते हैं अलर्ट हो जाते हैं द आर्म फोर्स सप्लाई असेंशियल हेल्थ अशेंशियल आइटम्स लाइक फूड वाटर क्लोथ्स ब्लैंकेट एक्सेट्रा टू द पीपल इन द डिज़ास्टर जोन डिजास्टर जोन में क्या होता है ये सब प्रोवाइड कराया जाता है जो असेंशियल uh, आइटम्स होते हैं जैसे फूड वाटर क्लोथ्स ये सब क्या करते हैं सप्लाई करते हैं डॉक्टर्स आर पुट ऑन द स्पेशल ड्यूटी डॉक्टर्स जो होते हैं उन्हें स्पेशल ड्यूटी के लिए रखा जाता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन्हें uh, जो विक्टीम्स होते हैं उनके साथ दिया जाता है पीपल फ्राम ऑल ओवर द कंट्री डोनेट जनरसली फॉर द विक्टम विक्टम्स के लिए जो लोग होते हैं जो अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं वो क्या करते हैं डोनेट करते हैं कुछ कुछ चीज़ें अब है सोल्जर्स एंड वॉल्टियर हेल्प इन द रेस्क्यू वर्क रेस्क्यू वर्क कराते करते हैं वो जैसे जो बाड़ वगैरह में फंसे हुए लोग होते हैं उन्हें बचाने के लिए दे हेल्प टू रिमूव पीपल ट्रैब्ड अंडर द डैबरीज कोलाप्स्ड बिल्डिंग और जो जो बिल्डिंग का जो मलबा वगैरह होता है उसके अंदर जो लोग फंसे हुए रहते हैं उन्हें भी निकालने में हेल्प करते हैं ओके ये सब काम कौन करते हैं कम्युनिटी हेल्प है ये जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर, कराती है और जो अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं वो भी हमें प्रोवाइड कराते हैं ओके बच्चों तो आज की क्लास में इतना ही बाकी आगे का चैप्टर आपको कल की क्लास में पढ़ाया जाएगा थैंक यू